साल 2014 से आप केंद्र सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। सड़क निर्माण के क्षेत्र में आप 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क का प्रतिदिन निर्माण होता था, लेकिन आपके मंत्री बनने के बाद से 33 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण होने लगा। 1995 से 1999 के बीच महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहने के दौरान आपने महाराष्ट्र में सड़कों और फ्लाईओवरों का जाल बिछा दिया। अकेले मुंबई में ही आपने 55 फ्लाईओवरों का निर्माण कराया। इसी उपलब्धि की वजह से बालासाहेब ठाकरे ने आपको गडकरी की जगह रोड करी का नाम दे दिया। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी आपकी ही देन है। आपकी इन्हीं उपलब्धियों को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परखा और आपको नेशनल हाईवे प्राधिकरण स्थापित करने का जिम्मा सौंपा। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि अपने काम में भी आप रिकॉर्ड तोड़ने में यकीन रखते हैं। आपने 2024 में 13,814 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2023 के दौरान 6,217 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण आपके कार्यकाल में हुआ है। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भी दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। आपके मंत्रालय ने 2019-20 में 10,237 किलोमीटर, 2020-21 में 13,327 किलोमीटर, 2021-22 में 10,457 किलोमीटर और 2022-23 में 10,331 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया। आपकी इन्हीं उपलब्धियों की वजह से देश के लोग आपको फ्लाईओवर मैन और हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो हाईवे मैन ऑफ इंडिया हम सबके बीच मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाए नितिन गडकरी जी के लिए, जिन्हें सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और मैं बिना वक्त जाए किए अपने सहयोगी अनंत त्यागी से निवेदन करूंगी कि वो नितिन गडकरी जी को मंच पर लेकर आएं और हम सब मिलकर शुरुआत करें इस खास सेशन की जिसका हम सभी को इंतजार था। हाईवे मैन ऑफ इंडिया, जोरदार तालियां हो जाए। सेशन की शुरुआत हम एक बार और तालियां बजाकर करें तो बेहतर होगा। आप सब के लिए, सर के लिए बहुत स्वागत। सर, जी न्यूज़ जो कार्यक्रम में कर रहा है सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्टेट्स मेक्स अ नेशन, जो आर्टिकल 1 संविधान का है वो भी कहता है कि भाई राज्यों से ही पूरे देश का निर्माण होता है। जिस डोमेन में आप हैं, एक राजनीतिज्ञ होने के नाते, सरकार में होने के नाते, राज्य और केंद्र के संबंधों को आप कैसे देखते हैं? एक देश के निर्माण में, देश की प्रगति में राज्यों के सहयोग कितना ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर उन राज्यों से सहयोग जहां पर आपकी पार्टी की सरकार नहीं है। देखिए, देश का विकास ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकता। जैसे मैं नेशनल हाईवे का मंत्री हूँ और एक रोड अगर दिल्ली से शुरू हो जाए तो हरियाणा में रोक दो और हरियाणा के बाद शुरू करो और पंजाब में ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे देश में हमारे संविधान ने स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, तीन लिस्ट तैयार की है। जो राज्यों के काम है वो स्टेट लिस्ट में है, जो भारत सरकार काम करती है वो सेंट्रल लिस्ट में है, और जो दोनों कर सकते वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। और मैं ये मानता हूँ कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, या ये चार चीज़ें जहाँ डेवलप होती है वहाँ उद्योग आते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, और जहाँ उद्योग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है वहाँ रोजगार निर्माण होता है, और जहाँ रोजगार निर्माण होता है वहाँ पर कैपिटा इनकम और GDP ग्रोथ बढ़ती है, वेल्थ क्रिएट होती है, और जिससे देश का विकास होता है और गरीबी दूर होती है। अब ये कुछ बातें राज्यों के साथ, जैसे मैं रोड बनाता हूँ तो लैंड एक्विजिशन राज्यों को करना पड़ता है, मैं पैसे देता हूँ। अगर पावर है भारत सरकार तैयार करती है तो राज्य डिस्ट्रीब्यूट करती है। नदियों का इरिगेशन के बारे में भी ऐसा ही है। तो हमारी जो संविधान है उसका जो फेडरल कैरेक्टर है वो यही है कि राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर काम करे और देश का विकास करे।
लोकतंत्र में ये बात होती है कि कभी हम लोग रूलिंग पार्टी के रोल में रहते हैं, कभी विपक्ष के रोल में रहते हैं, तो हमने जो रोल मिला वो करना चाहिए, पर देश के विकास में सबने मिलकर काम करना चाहिए, यही देश की आवश्यकता है और यही संविधान का भाव है। लेकिन बावजूद इसके शिकायतें राज्यों की तरफ से कई दफ़ा आती हैं सर, कि केंद्र की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा, केंद्र की परियोजनाओं को पूरा करने में अगर अड़चन आती है तो केंद्र भी ये कहता है कि फलां राज्य की सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ जी। वैसे मैंने ये उदाहरण कोई मेरी तारीफ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, पर हम न्यायपूर्ण व्यवहार करते इसलिए बता रहा हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में पार्लियामेंट में चर्चा थी, तब मैं था भी नहीं, पर मुझे स्पीकर महोदय ने फ़ोन करके कहा कि हर व्यक्ति आपके लिए अच्छा बोल रहा है तो आप आइए। तो मैं आया, 75 लोगों ने मेरे डिपार्टमेंट पर भाषण दिए, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ओवैसी, अखिलेश यादव, ऑल पार्टी थी। और वो पहली बार मुझे स्पीकर साहब ने बताया कि पार्लियामेंट के इतिहास में जितने लोगों ने भाषण दिया उतने लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया और मेरा अभिनंदन किया। तो इसका अर्थ जो मोदी जी ने बात कही थी कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इसी बात पर हमने सभी का काम किया। कभी मैं तो बहुत पक्का हूँ इसमें जी। मैं अभी चुनाव में भी मैंने लोगों को कहा था कि जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी, इसके आधार पर मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगा और ना जात मानूँगा और ना उसके लिए सपोर्ट करने वाला काम करूँगा। जिसको देना है वो मुझे वोट दे, नहीं देना है मत दे, मैं अपने कन्विक्शन के साथ चलूँगा। और मुझे लगता है कि आज राजनीति में विचार भिन्नता से ज़्यादा विचार शून्यता ये समस्या है। अगर स्ट्रांग लीडर अपने कन्विक्शन के साथ अगर कुछ बातें जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए अच्छी नहीं है, उसका सभी पार्टियां मिलकर विरोध करेगी तो लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बात सही है सर कि भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा चेहरों में से आप एक हैं जिनकी विपक्ष तारीफ करता है, बात बिल्कुल ठीक है। एक और बात की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है कि 2014 से लेकर 2024 मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल, हर मंत्रालय ने नए चेहरे देखे, हर चेहरे ने नई जिम्मेदारियां देखी, लेकिन एक रिश्ता है जो शाश्वत बना हुआ है, वो है नितिन गडकरी और उनका मौजूदा मंत्रालय। तो सवाल उठ जाता है कि रिश्ता कहलाता क्या है, ये आपका अनुभव के आधार पर तय होता है या पसंद के आधार पर? देखिए, मैं जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मैं पार्टी का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते जब चर्चा होती थी तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने कहा कि मैं महाराष्ट्र में जब मंत्री था तो मैंने वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं इंजीनियर नहीं हूँ पर शायद मैं ये सेक्टर की थोड़ी बहुत जानकारी है तो मैं अच्छा काम कर सकूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तो ये मंत्रालय नंबर के हिसाब से 6वें 7वें नंबर पे जाता है, तो पहले 5 जो है डिफेंस, होम, विदेश मंत्रालय, और आप प्रमुख नेताओं में से हैं। मैंने कहा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, जो काम मैं कर सकता हूँ वो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी आप निर्णय करिए। तो फिर उन्होंने मुझे ये डिपार्टमेंट दिया और मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जी, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला था। तो फिर मैं ये रोड में आया, शिपिंग और रोड का मिला, गंगा शुद्ध करने के लिए वाटर रिसोर्सेज में था, एमएसएमई में था, तो जहाँ जहाँ मुझे काम करने का मौका मिला मैंने काम किया और ये रोड मिनिस्ट्री मेरे साथ टिकी रही है। शायद अभी भी कुछ काम बाकी है। काम कितना हुआ है सर, काम कितना बाकी है वो तो हम आपसे ज़रूर जानेंगे। एक बात को लेकर और उत्सुकता आती है कि 2014 के बाद आप डिपार्टमेंट आपने संभाला, तो कार्य में इतनी रफ्तार, इतना अंतर कैसे आया? एक डेटा हम लोगों के पास जो हमने देखा, 2014 में जो औसत प्रतिदिन सड़क बनने का जो एक औसत था वो लगभग 12.3 किलोमीटर के आसपास था, जो 2022-23 के आसपास में 28.5 किलोमीटर प्रतिदिन के आसपास का इसका एक औसत आता है। सरकारें पहले भी रही हैं, मंत्रालय पहले भी रहा है, फंड एलोकेशन पहले भी रहा है, इतना बड़ा गैप जो आपने ला दिया अपने परफॉर्मेंस के आधार पर, वो कैसे? मैं जब मंत्री बना तो मेरे डिपार्टमेंट में करीब 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट बन पड़े थे।
स्टोल प्रोजेक्ट थे और समस्याएं थी। तब मैं हमारे ट्रांसपोर्ट भवन में सबसे नीचे लेवल रोड इसमें फ्लोर पर एक हॉल है जी, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट बैंकर्स और अधिकारी चारों को बुलाकर सुबह 10 से लेकर रात को 12 बजे तक मीटिंग चलती थी। और मुझे खुशी है कि हमने धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व किए, 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो होने लायक नहीं थे वो टर्मिनेट कर दिए, बाकी प्रोजेक्ट की समस्याएं कई इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के प्रॉब्लम, कई रेलवे के प्रॉब्लम, कोई लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम, कोई बैंक के प्रॉब्लम, कोई अकाउंट एनपी हुए। तो मैं आज एक बता सकता हूं आपको कि इस देश के बैंकों को हमने 3,00,000 करोड़ के एनपीए से बचाया, 3,00,000 करोड़ के डिपार्टमेंट, हाँ बिल्कुल, और सब प्रॉब्लम सॉल्व किए। एक इसका कारण ये था जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कहता था लोगों की आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। यही बात आपको स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे भी कहते थे। हाँ ये भी कहते थे, ये भी मैंने कहा था, इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। तो एक तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फास्ट किया गया, करप्शन फ्री सिस्टम ला। मैं 50,00,000 करोड़ के काम कर चुका हूँ और आपके सामने मैं स्वाभिमान से ये कह सकता हूँ कि आपको एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि वो कहेगा कि मेरे काम के लिए मंत्री जी को मिलना पड़ा और फिर काम हुआ जी। तो करप्शन फ्री सिस्टम, अंडर द टेबल जो सिस्टम था वो बंद करा दिया आपने। नहीं होता ही नहीं, अभी तो पूरा ई टेंडर होता है। हाँ एक बात जरूर है कि बड़े बड़े लोगों ने गालियाँ मेरी जरूर खाई होगी। मैं अनेक लोगों को मैंने काम उखाड़ने के लिए कहा है और मैंने कहा दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, इस देश की जनता इसकी मालिक है और तुमने अगर रोड खराब किया तो तुमको बुलडोजर के नीचे डलवाऊंगा। तो ये मजाक में कहता था जी। तो आज क्वालिटी के बारे में बड़ा आग्रही था और हमने कॉस्ट बचाए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, आप कारगिल में गए जाओ ये, तो कारगिल में एक झोजिला टनल बना रहे हैं हम, 11.6 किलोमीटर, आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। इसका 4 बार टेंडर निकला, कभी BOT में निकला, EPC में निकला, हर बार कैंसिल हुआ और चौथी बार इसकी कॉस्ट है 12,000 करोड़। फिर मैं इंजीनियर नहीं हूँ तो मैंने सोचा इसको तो एक यहाँ दिल्ली में एक एसोसिएशन करके एक संस्था है उनके साथ बैठकर हमने वर्ल्ड के एक्सपर्ट को बुलाया, मैं भी उसमें शरीक हुआ, मैंने अपनी टीम को तैयार किया, अधिकारी भी बैठे, साल भर काम किया, नए टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस तैयार किए, नई टेक्नोलॉजी लाई और वो टेंडर हमने फिर 5वीं बार निकाला। तो 12,000 करोड़ की टनल हम केवल 5,200 करोड़ रुपए में बना रहे हैं, 80% काम पूरा हुआ और अब 5,000 करोड़ का सेविंग हुआ। लेकिन सर इसमें सवाल मेरा ये है कि फिर बीच के जो 7,000 करोड़ थे उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया, वो किस चीज़ में था? कौन से 12,000 करोड़ से वो बच गए, 5,000 करोड़ ले आए? ये जनता के पैसे है भाई, बच गए पैसे है। मैं आपको बता दूं, मैं मुंबई में जब, अब वो बात हो गई, जब मैं मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था जी, तो टेंडर निकला था और धीरू भाई अम्बानी उस समय थे, तो उनका टेंडर था 3600 करोड़ का, यानी आज के 50,000 करोड़, और मेरा अंदाज था कि ये 1800 करोड़ में होगा। तो वो टेंडर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, जब पुराने लोग उनको मालूम होगा, तो मैंने कैंसिल किया, सबको लगा ये काम नहीं होगा। और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे 1600 करोड़ में पूरा हुआ, 2000 करोड़ बच गए। ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट में भी मैंने 420 करोड़ में काम दिया था और मुंबई के फ्लाईओवर्स की कीमत 1800 करोड़ रुपए थी, वो 55 फ्लाईओवर में से 4 हुए नहीं, 51 हुए और वो 950 करोड़ में बने, 1000 करोड़ बच गए। तो हमने क्या किया था, एक तो ट्रांसपेरेंसी थी, 10% मशीनरी एडवांस था। अभी आप कभी मुंबई जाते हो जी, तो सांताक्रूज एयरपोर्ट से निकलकर हाँ, आप जब बांद्रा के तरफ जाते हो तो एयरपोर्ट में एक एलिवेटेड रोड है बड़ा जी, तो हमारे यहाँ उसको बनाने के लिए 4 साल लगेंगे करके बताया गया था। तो मैंने एक नई योजना बनाई थी कि जो एक दिन पहले काम करेगा उसको 1,00,000 रुपये अवार्ड मिलेगा और एक दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपये फाइन होगा। तो पूरा वर्क कल्चर बदल गया
और जो काम 4 साल का था वो 17 महीने में हो गया। ये लेट लतीफी के चलते मुझे किस्सा याद आया था जो हम लोगों ने सुना, वो ये कि NHAI का कोई प्रोजेक्ट था, कई साल डिले हुआ, उनके अधिकारियों के साथ आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में पे बात की और कुछ अधिकारियों के फोटो टांगने की बातें आपने की थी। वो सभी बातें तो बताने लायक नहीं है। बता सकते हैं सर, जिक्र हो गया। मैं उनको कहता हूँ जो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, हाँ, लोगों को तकलीफ हो रही, तो मैं क्यों अकेला गाली खाऊं। मैंने बोला तुम्हारे फोटो और नंबर लिखो, वहाँ फोन नंबर दो, कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखो, कंसल्टेंट का लिखो, ताकि लोग उनको भी जूते मारे कि ये क्यों नहीं अच्छा काम कर रहे। यानी खाली मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी ना है। मैं तो हूँ, देखो मैं अपने जिम्मेदारी से दूर नहीं हटता। प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी समस्या है, हमारे सिस्टम में अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। हम फाइनेंशियल ऑडिट जरूर करते हैं पर परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं करते। तो हमें क्वालिटी भी चाहिए, कॉस्ट भी कम चाहिए और परफॉर्मेंस ऑडिट भी होना चाहिए। निर्णय नहीं करना, पेंडिंग रखना, क्वालिटी खराब करना। जब लोगों को पता चलेगा कि ये करने के बाद, मैं मुंबई पुणे हाईवे का निरीक्षण कर रहा था, तो हिंदुस्तान के उस समय बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे SCC, मेरे मित्र हैं अजीत गुलाबचंद करके, तो मैं हमारे MD और वो मर्सिडीज कार में बैठे, मैंने घर से थर्मोस में चाय लाया था और मैंने उनको कहा कि 140 किलोमीटर स्पीड पर गाड़ी कांस्टेंट चलाओ। और मैंने कहा अजीत मैं 140 किलोमीटर स्पीड पर थर्मास से चाय लेके अपने कप में डालूंगा और मेरा चाय अगर गिर गया तो याद रखना तुमको छोड़ूंगा नहीं। और वो रोड इतना अच्छा बना था कि मैंने 140 किलोमीटर पर चाय पिया, एक बूंद नीचे नहीं गिरा। तो अच्छा काम जो करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे। ये क्वालिटी चेक का तरीका अच्छा है सर, चाय पीते हुए। एक और कोट है सर जो कि आपका मैंने कई भाषणों के दौरान मैंने सुना आपके मुंह से, जॉन एफ कैनेडी का एक कोट आप बताते हैं जो वो अमेरिका के बारे में बोलते हैं कि अमेरिकाज रोड आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज द रोड्स आर गुड। इसी मोटो पर क्या नितिन गडकरी चलते हैं जब सामने प्रधानमंत्री का दिया हुआ लक्ष्य हो कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना। सर ये अभी आजकल लोग मेरे पास आते हैं कि देहरादून से दिल्ली हम नया रोड बना रहे, दिसंबर तक हो जाएगा, तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, नया रोड है पूरा। तो लोग मुझे बोलते हैं कि देहरादून के बाद आप मसूरी में जाने के एक टनल डाल रहे हो, कहाँ से जा रही। मैं बोला आपको क्या लेना देना है। अरे बोले हम वो घर खरीदना चाहते हैं वहाँ, क्योंकि दिल्ली में रहने के बजाय मसूरी में रहेंगे, सुबह निकल के आएंगे दिल्ली और रात को जाएंगे। आपको मजाक बताता हूँ, मैंने पुणे से मुंबई रोड जब बनाया, ऐसी कोई टनल बना रहे हैं? हाँ ऐसी कोई टनल बना रहे हैं? हाँ बना रहे हैं। तो पुणे से मुंबई जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट चलती थी, जब पुणे मुंबई हाईवे बना तो सब फ्लाइट बंद हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 1 जनवरी के बाद दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़ फ्लाइट बंद हो जाएगी। अब कोई जाएगा ही नहीं। सर ये है कि यहाँ विकास हो रहा है कि एयरलाइन कंपनियों की आफत आ रही है? नहीं नहीं, उनको और बिजनेस मिलेगा ना, और 100 एयरपोर्ट बन रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली से अगर देहरादून जाना है तो 1 घंटा पहले एयरपोर्ट जाना है, तो घर से एयरपोर्ट जाना 1/2 घंटा, 1 घंटा पहले वहाँ बैठना है 1.5 घंटा, फिर हवाई जहाज आएगा तो जाने के लिए 35-40 मिनट, फिर उतरने के बाद घर जाने के लिए तो 4 घंटे लगते हैं। ये तो आप अपना ये जो मंदिर है अक्षरधाम का, वहाँ से चढ़ जाओगे तो देहरादून के अंदर 2 घंटे में ऊपर के ऊपर जाएंगे उधर से। तो मुझे बताइए कि 4 घंटे के बजाय 2 घंटे लगेंगे तो हवाई जहाज से कोई क्यों जाएगा। अभी दिल्ली से जयपुर हम नया रोड दिल्ली मुंबई हाईवे, उसके पहले एक नया कनेक्शन जयपुर का बना रहे, काम चल रहा है, तो डायरेक्ट जयपुर रिंग रोड 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो काय के लिए लोग हवाई जहाज से जाएंगे। लेकिन दिल्ली वाले तो ये भी पूछ रहे हैं ना सर कि देश की राजधानी से आर्थिक राजधानी 12 घंटे में कब पहुंच जाएंगे दिल्ली से मुंबई तक? अब मेरी कोशिश तो है कि जनवरी में हो जाएगा, काफ़ी काम हो गया, बड़ौदा के आगे निकल गए हम लोग, महाराष्ट्र में काम शुरू है, जोरों में चल रहा है जी। और ये JNPT टू दिल्ली है, पर वैसे ये रोड ऐसा नहीं है,
मैं अपने भाषण में कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसा हम बोलते थे जी। अभी आप देखो, आप मनाली गए होंगे, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता है। अभी अटल टनल बनी है, 8 मिनट में जाएंगे आप, 8 मिनट्स। अटल टनल के बाहर आने के बाद लद्दाख लेह तक हम रोड बना रहे हैं, 8 टनल बना रहे हैं। अभी कुछ काम शुरू हुआ, कुछ का शुरू होगा। वहाँ से लद्दाख लेह के बाद आएंगे तो वर्ल्ड की, एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल है। वहाँ से आप निकलकर जेडमोर टनल पूरी होगी। अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने उसके उद्घाटन के लिए पत्र दिया है, जेडमोर टनल। वहाँ से श्रीनगर आओगे तो श्रीनगर और जम्मू के बीच में हमने 18 टनल बना लिए। अभी रोड का काम भी लगभग हो गया, जम्मू का और श्रीनगर का रिंग रोड भी बन रहा है। वहाँ से कटरा के पहले दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे का काम पूरा हो रहा है। वो हाईवे से आप निकलकर सीधा दिल्ली आएंगे, दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ेंगे। और दिल्ली मुंबई हाईवे से आप अभी, आपको अगर बेंगलोर जाना, साउथ में जाना है, तो आपको मुंबई पुणे सोलापुर कोल्हापुर जाने की ज़रूरत नहीं। सूरत से एक नया ग्रीन रोड बना रहे हैं हाईवे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और कोचिन तक पूरा साउथ उधर से जाएगा। तो दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। यहाँ बैठे बैठे मुझे और सभी लोगों को आपने भारत दर्शन करा दिए सर, अपने रोड के जाल बताते हुए। और ये ईमानदारी से बता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम लोग जाते थे, लोगों से पूछते सरकार ने क्या किया, तो कोई व्यक्ति कोई और फीडबैक दे ना दे, सड़कों को लेकर लोग जरूर आश्वस्त थे कि सड़कों के लिहाज से बेहतर काम हुआ है। लेकिन एक किस्सा इससे मुझे और याद आया, जो आपके बारे में पढ़ते हुए मुझे पता चला कि इतना जुनून नितिन गडकरी के अंदर है सड़क बनाने को लेकर के, कि अपने ससुर का घर तक उन्होंने तोड़ दिया था रोड के बीच में आने से। ये क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये एक सोना गांव, सच्ची घटना है कि काल्पनिक घटना है? नहीं नहीं, सब सच्ची घटना, मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे कोई काम नहीं करना होता तो बोल देता, होता नहीं करके। ये मैं दिल्ली जरा कम जानता हूँ, ये सोना है ना हरियाणा में अपना, ये गुड़गांव के पास सोना जी जी, तो वो रोड बीच में नहीं, एक एलिवेटेड रोड हमने ही बनाया है, दिल्ली मुंबई को जुड़ता है। तो उस रोड पर हमारे राव इंद्रजीत सिंह जो थे, उनकी मिसेस भाभी जी का मकान था बड़ा, तो वो मकान तोड़ना पड़ा। तो मैंने उनको फ़ोन किया था कि ये ऐसी ऐसी बात है, ये बड़ा बनाना है रोड। तो उन्होंने कहा वो तो मेरे ससरे का मकान है, अब क्या करूँ। मैंने बोला मैंने मेरे ससरे का भी तोड़ा है। नागपुर के पास एक रामटेक करके गाँव है जी, वहाँ शहर के अंदर से रोड जा रहा था, तो एक राधा करके अभी भारत सरकार में IAS ऑफिसर थी, वो उसके पहले SDO करके ज्वाइन हुई थी। तो मेरे पास आई, मैंने बोला तोड़ दो सब। तो आई और कहा आपको पता है सर, भाभी जी का मकान है उसमें। बोला मुझे सब मालूम है, तुम चिंता मत करो, चुने की रेखा डालो और सब तोड़वा दो। तो तोड़ दिया। तो मेरी पत्नी को पता चला, वो नाराज होकर बोले हमको पहले बोलते तो हम ही तोड़ देते, आपने बताया तक नहीं। तो सब सब टूट गए। तो मैं एक मानता हूँ कि भाई रोड करने में जब जगह लगती है तो जात पंथ धर्म पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। तो जो था आवश्यकता, जो लीगल था, वो किया था। ठीक है, जो पंथ धर्म और जाति की बातें कर रहे हैं आप सर, इस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि एक बात बड़ी साफ है कि अगर, और हम लोग सुनते भी हैं, अगर सुविधाएं चाहिए आपको तो उसके लिए शुल्क आपको चुकाना पड़ता है। जब हाईवेज बनते हैं, बेहतर सड़कें बनती हैं, तो बीच में टोल लगता है। टोल को लेकर के बड़े सवाल लोगों के मन में रहते हैं। जी न्यूज़ ने इस मामले में, हम लोगों का एक प्रोग्राम आता है सर 9 बजे, उसमें हम लोगों ने एक सीरीज़ पूरी चलाई थी कि देश के अलग अलग हाईवेज पर जो टोल हैं, वहाँ के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत थे कि चूंकि मेरा वक्त बचता है, मेरा ईंधन बचता है, तो टोल का पैसा पे करने में हमें कोई परेशानी नहीं हो, खुश थे इस बात से। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है, कई रिपोर्ट्स भी आती हैं, कि भाई टोल मजबूरी बना दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, मैं, आप अन्यथा मत लो, पर मैं इसका जवाब देता हूँ। आज आपने ये अशोका होटल में कार्यक्रम लिया, तो ये होटल में किराया लगा होगा, फर्नीचर का किराया, चाय पानी, नाश्ता, ये सब चकाचक है। आपको ऑप्शन था ना रामलीला मैदान का, तो सब लोग वहीं बैठते। देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। जैसे मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में जा रहे हैं, तो 7 घंटे अगर गाड़ी कम चलती तो पेट्रोल डीजल कम लगता है, समय बचता है। तो जहां आपको समय बचता है,
तो नेचुरली आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अभी मैं आपको तो मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ 10 साल में जी। मैं ये सब काम इसीलिए कर सका कि आज मैं मार्केट में मैं बहुत पैसा उठाता हूँ। अभी हमने इनविट मॉडल के बॉन्ड्स निकाले थे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, तो बॉन्ड्स निकाला तो 7 दिन का टाइम था और एक दिन शुरुआत हुई और मुझे 7 दिन में जाकर वो बेल बजा कर वो घंटी बजती है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में उसको क्लोज करना था जी। तो पहले दिन 7 घंटे में हमारा 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, जैसे बरसात पड़ती वैसा पैसा आया। तो मैं गोवा में था, मैं सब छोड़कर वहाँ गया, मैंने बेल बजाई और काम किया। अब ये लोगों को मैं आपको भी कहूँगा जी, पत्रकार है कोई छोटे जो सर्विस क्लास में हैं, मैं उनको 8.05% इंटरेस्ट हमारे इनविट बॉन्ड में इन्वेस्ट करो दूंगा और ईयरली नहीं मंथली दूंगा। 8% नहीं नहीं 8% ईयरली होगा पर इंटरेस्ट उनको मंथली मिलेगा। मंथली अगर आप कहते हो तो लोग बिल्कुल इन्वेस्ट करते हैं।